दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कोडाशॉप के बारे में सब जानते ही होंगे, जहां से डायरेक्ट टॉपअप किया जाता है। जैसे कि आप यहां पे स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, कोडाशॉप का इंटरफेस कुछ इस टाइप से है और पहले नंबर पे ही फ्री फायर का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो यहां से आप किसी का भी गेम आईडी में टॉपअप दे सकते हैं या फिर अपने ही गेम आईडी में टॉपअप ले सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो इसके लिए आपके पास एक यूपीआई ऐप होना चाहिए, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर एयरटेल थैंक्स ऐप या फिर एनी यूपीआई ऐप जो कि आपके पास है। तो उसी यूपीआई ऐप के थ्रू कोडाशॉप के माध्यम से किसी का भी गेम आईडी में टॉपअप दे सकते हैं या फिर अपने ही गेम आईडी में टॉपअप ले सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना है जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सूर्य और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। इधर मैं चल के साथ जॉइन होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, बस लाल कलर का सबसे बनकर साथ में बेलेगा दबा के ऑल पर क्लिक करना है ताकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसके लिए वो क्या करना है कि सबसे पहले आप मेरे फ्री फायर गेम में कितना डायमंड है वो आप पहले देख लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकाउंट में पहले से ही 116 डायमंड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके अकाउंट में कितना डायमंड है वो आप पहले देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, सिंपली से आपको अपने फ़ोन में किसी भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र है। तो यदि आपके फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र है तो सिंपली से आप अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है कि codashop.com। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे codashop.com डाल दिया है। तो आप अपने फोन में किसी भी एक ब्राउजर ओपन करके codashop.com डाल के सिंपली से सर्च के ऊपर प्रेस कीजिएगा। तो आप जैसे सर्च के ऊपर प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों codashop का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट टॉपअप, मतलब इसमें से आप कहीं पे भी टॉपअप ले सकते हैं। तो पहले नंबर पे ही आप देख सकते हैं फ्री फायर के ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली से फ्री फायर के ऊपर प्रेस करना है। तो जैसे फ्री फायर के ऊपर प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है वो आप ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटर प्लेयर आईडी, तो आपको यहाँ पे अपना फ्री फायर गेम का जो प्लेयर आईडी है उसे आपको यहाँ पे डालना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना फ्री फायर गेम का जो प्लेयर आईडी है उसे यहाँ पे डाल दिया है। तो आप अपने फ्री फायर गेम का जो प्लेयर आईडी होगा वो यहाँ पे सही से दे दीजिएगा, नहीं तो गलत आईडी पे रिचार्ज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फ्री फायर गेम का प्लेयर आईडी सही से दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं सिलेक्ट रिचार्ज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड का ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 डायमंड। सो मैं जैसे ही डायमंड के ऊपर प्रेस करता हूँ उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायमंड का प्राइस यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मतलब 50 डायमंड में मुझे 40 रुपया पे करना होगा। इसी तरह से अलग अलग डायमंड का अलग अलग प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इसमें से किस डायमंड को लेना चाहते हैं उस डायमंड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे 50 डायमंड लेना चाहता हूँ। तो आप जिस डायमंड को खरीदना चाहते हैं उसके ऊपर सिंपली से प्रेस कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों उसका प्राइस यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 रुपया मुझे पे करना होगा। तो पे करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेटीएम और यूपीआई आईडी। तो पेटीएम के वॉलेट के माध्यम से कैसे आप अपने फ्री फायर गेम का टॉपअप ले सकते हैं वो मैंने पिछले वीडियो पर बता दिया है। तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप अपने पेटीएम के वॉलेट से अपना फ्री फायर गेम का टॉपअप ले सकते हैं इस कोडाशॉप के माध्यम से। तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे आ जाना है। तो जैसे नीचे आते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि इफ़ यू वुड लाइक ए रिसिप्ट ऑफ द परचेस्ड बाई ईमेल, मतलब आप जिस डायमंड को खरीदेंगे उसका रिसिप्ट आपको ईमेल आईडी पे दे दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज इंटर एन ईमेल एड्रेस, तो आपको यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल आईडी डालना है। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल दूंगा, तो इस ईमेल पे आपको रिसिप्ट दे दिया जाएगा जो भी आप परचेस करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो UPI का ऑप्शन दिए गए हैं इसके ऊपर सिंपली से आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों क्या करना है, नीचे जो बाय नाउ का ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बस सिंपली से बाय नाउ के ऊपर प्रेस करना है। तो जैसे बाय नाउ के ऊपर प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऑर्डर डिटेल्स दिखाया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे अपने गेम आईडी के साथ साथ गेम नेम भी दिखाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कितना प्राइस है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो कंफर्म एंड गो टू पेमेंट का ऑप्शन है इसके ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बस सिंपली से कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करना है। तो जैसे प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिए गए है कि भीम UPI आईडी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली से भीम UPI आईडी के ऊपर प्रेस करना है। तो जैसे प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं
तो आपको यहाँ पे अपना UPI ऐप का UPI ID डालना है। तो आपके पास जो UPI ऐप है उस UPI ऐप का UPI ID आप यहाँ पे दे दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास चारों UPI ऐप है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और एयरटेल थैंक्स ऐप, चारों UPI ऐप मेरे पास है। तो आपके पास जो UPI ऐप होगा उसका UPI ID आप देख लीजिएगा। तो यदि आपके पास पेटीएम है तो सिंपली से आप अपने पेटीएम को ओपन कीजिएगा। तो आप जैसे पेटीएम को ओपन करते हैं उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो पेटीएम का UPI ID कहाँ पे मिलेगा वो आप देख लीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना पेटीएम को ओपन करना है। पेटीएम ओपन करने के बाद दोस्तों लेफ्ट साइड स्वैप करना है। स्वैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे UPI का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे UPI के ऊपर प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका पेटीएम का UPI ID मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा पेटीएम का UPI ID है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं योर भीम UPI ID, मतलब ये मेरा UPI ID है। तो यदि आपके पास पेटीएम है तो पेटीएम का UPI ID आप देख लीजिएगा। और यदि आपके पास गूगल पे अकाउंट है तो सिंपली से आप अपने फोन में गूगल पे ऐप को ओपन कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो गूगल पे का UPI ID देखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो लोगो दिए गए हैं तो सिंपली से आपको इस यहाँ पे जो लोगो दिए गए हैं इस लोगो के ऊपर प्रेस करना है। तो जैसे प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से इस आइकन के ऊपर प्रेस करना है। तो जैसे प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड स्वैप करना है। स्वैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपके गूगल पे का बारकोड दिखाया जाएगा और नीचे आपको गूगल पे का UPI ID देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा गूगल पे का UPI ID दिए गए हैं। तो अभी आपको यहाँ पे अपना गूगल पे अकाउंट का UPI ID को कॉपी करना है यदि आपके पास गूगल पे अकाउंट है तो। और यदि आपके पास फोन पे अकाउंट है तो सिंपली से आप अपने फोन पे अकाउंट को ओपन कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो अभी आपको फोन पे का UPI ID देखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो लोगों का ऑप्शन दिए गए हैं तो सिंपली से आपको इस लोगों के ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि माई भीम UPI ID, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको बस सिंपली से माई भीम UPI ID के ऊपर प्रेस करना है। तो जैसे प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपके फोन पे का UPI ID देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा फोन पे का UPI ID यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ से आप अपने फोन पे अकाउंट का UPI ID को देख लीजिएगा। और यदि आपके पास एयरटेल थैंक्स ऐप है तो ऐसे ही में आप सिंपली से अपने फोन में एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे जो बैंक का ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बस सिंपली से बैंक के ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भीम UPI ID। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली से भीम UPI ID के ऊपर प्रेस करना है। तो जैसे भीम UPI ID के ऊपर प्रेस करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपके एयरटेल थैंक्स ऐप का UPI ID देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा एयरटेल थैंक्स का UPI ID यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से आप अपने एयरटेल थैंक्स ऐप का UPI ID जान सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आपके पास जो UPI ऐप है उसका UPI ID आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली से आपको यहाँ पे उस UPI ID को डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे अपने गूगल पे अकाउंट का UPI ID डाल दिया है। तो UPI ID डालने के बाद दोस्तों क्या करना है, नीचे जो पे का ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बस सिंपली से पे के ऊपर प्रेस करना है। तो जैसे प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है वो आप समझ लीजिए। तो जैसे पे के ऊपर प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 8 मिनट का टाइमिंग दिखाया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 मिनट का टाइमिंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इसी टाइमिंग के अंदर आपको पे करना है। तो जैसे पे के ऊपर प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आया है गूगल पे की तरफ से जो कि पेमेंट रिक्वेस्ट का है। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली से इस नोटिफिकेशन के ऊपर प्रेस करना है। तो जैसे प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आ चुका है जो कि 40 रुपया का है। तो अभी आपको पे करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो पे का ऑप्शन दे गए हैं तो आपको बस सिंपली से पे के ऊपर प्रेस करना है। तो जैसे प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे जो प्रोसेस टू पे का ऑप्शन दे गए हैं तो आपको बस सिंपली से प्रोसेस टू पे के ऊपर प्रेस करना है। तो जैसे प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपके गूगल पे का UPI पिन एंटर करना है। तो मैं जैसे यहाँ पे अपने गूगल पे का UPI पिन एंटर करता हूँ उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो राइट का ऑप्शन दे गए हैं इसके ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करते ही दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपका भी जो पेमेंट होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको मिनिमाइज करके फिर से उस वेबसाइट के अंदर जाना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू योर परचेस हैज कन्फर्म्ड, मतलब मेरा जो परचेस है मतलब मैंने जो डायमंड खरीदा है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो अभी आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू मार्जिन के ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे आपके परचेस का रिसिप्ट
दिखाया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। और आपने जो ईमेल आईडी डाले है उस ईमेल पे भी आपको रिसिप्ट दे दिया जाएगा। तो अभी मैं अपने फ्री फायर गेम को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि मुझे डायमंड मिला है या नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जैसे यहाँ पे अपने फ्री फायर गेम को ओपन करता हूँ, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे मेरा डायमंड को देख लीजिए। पहले मेरे फ्री फायर अकाउंट में 116 डायमंड था, जो कि अभी यहाँ पे 166 मतलब 166 डायमंड यहाँ पे हो चुका है, मतलब 50 डायमंड यहाँ पे ऐड हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप जितना डायमंड खरीदेंगे वो आपके अकाउंट में तुरंत ही ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे डायमंड ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों इसी तरह से घोड़ा सब के माध्यम से किसी भी UPI ऐप के थ्रू किसी का भी फ्री फायर गेम का टॉप अप ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आते हो तो लाइक कर दीजिएगा, और फिर मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जब इंसान पर पहली बार आए और पहली बार मुझे देते तो कहना कुछ नहीं, बस नीचे लाल कलर का सकते साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना, ताकि अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।